भोजन से चलता है तो मरे को भोजन खिलाओ और चलाओ, शरीर भोजन से चल रहा है उसको खिलाओ भोजन, अगर भोजन नहीं खाते उसको ऑक्सीजन दो, नाइट्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, चलेगा? शरीर जो है ना ये भोजन से नहीं चलता, शरीर आत्मा से चलता है, इस बात को याद रखो। हम शरीर का तो ध्यान करते हैं, इतने दिन मंगल आरती दिन ना ठंड के कारण नहीं आया, क्या भोजन बंद किया इसने? पूछो उसको, भोजन नहीं बंद किया। वो कितना काम हो, कितने हम व्यस्त हो, भोजन तो जरूर करेंगे, आवाज ठीक आ रही है सबको? लेकिन जिसकी पुष्टि करने के लिए, जिसको शुद्ध करने के लिए ये शरीर हमको मिला था, वो है आत्मा। 84 लाख किस्म के जीव हैं, सबके अंदर आत्मा है। जैसी एक पशु के शरीर में आत्मा है, ऐसी मेरे शरीर में भी आत्मा है। पशु आत्मा की पुष्टि नहीं कर सकता, आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य शरीर में आत्मा का उत्थान हो सकता है। हम भोजन करें चाहे ना करें, लेकिन भजन जरूर करें। जो नियम है मंगल आरती का, उसका जरूर पालन करें, या कैसे भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो। लेकिन हम लोग मंगल आरती छोड़ देते हैं, कब भोजन छोड़ के देखो। और प्रभुपाद जी ने तो ये कहा था, जो मंगल आरती नहीं आए वो भोजन नहीं करे, वो व्रत रखे। तो हमें, हम सबको ये मनुष्य शरीर कृष्ण भगवान ने केवल आत्मा का उत्थान करने के लिए दिया है। बाकी भोजन या सोना या और दूसरे कर्म करना, ये पशु पक्षी शरीर में भी बहुत होता है। पशु पक्षी भी भोजन करते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं, उनकी भी संतान है, उनका भी घर है। अभी जैसे केवल लोग कहते हैं, कई जवाब देते हैं ऐसा, भाई आप मंगल आरती में आना, भक्ति करना, कहते नहीं मुझे कोई ज़रूरत इन चीज़ों की, मैं अपने परिवार में संतुष्ट हूँ, मेरे बच्चे मेरे को बड़ा प्यार करते हैं, मैं बच्चों को प्यार करता हूँ, बस इससे आगे नहीं मैं बढ़ना चाहता। कई बार लोग ऐसे जवाब देते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है, प्रभुपाद जी ने भी कहा है, ये जो परिवार से प्रेम और परिवार को तुमसे प्रेम, ये तो एक वाघ टाइगर जो है उसमें भी है। आपको पता है जो टाइगर है ये दूसरे जानवरों को खाता है, लेकिन उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब घर में आता है उसके बच्चे उससे खेलते हैं, उनको क्यों नहीं खाता वो, उसको भी इतनी अकल है, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को उससे प्रेम, उसको बच्चों से प्रेम, अपने बच्चों को वो चाटता है, प्यार करता है। तो मनुष्य शरीर एक बड़ा दुर्लभ है, ये बार बार प्राप्त होने वाला नहीं है। हम लोग संसार में खोए होने के कारण इस बात को भूल गए हैं, ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। ये मिला है तो इसका लाभ ले लो, इसका लाभ यही है, किसके द्वारा? भक्ति करो। जैसे एक श्लोक कई बार आपको सुनाया, फिर सुनाते हैं, आहार निद्रा भय में तुनच सामान्य वेतात पशुवे नराणाम धर्मों की तेषा अधिको विशेषा धर्मे नहीना पशुवे समानम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना और अपनी रक्षा करना, शास्त्र कहता है ये पशु पक्षी में एक समान है। अंतर क्या है? धर्मों की देशा, मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड, ये धर्म है। जो भगवान के नियम हैं उनको धर्म कहा है। पशु भगवान के नियमों का पालन नहीं कर सकता,
उसे कोई बेशर्मी करने में कोई शर्म नहीं, पशु है। रास्ते में मल त्याग करेगा, पेशाब कर देगा और गंदी हरकतें करेगा पशु, उसको कोई कुछ कहेगा भी नहीं, ये पशु है। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या बताया शास्त्र में? अंतर है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, भगवान के नियमों का पालन कर सकता है। धर्मे ना हीन पशु के समान, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। बल्कि मैं कई बार कहता हूँ पशु के समान भी नहीं है। आप देखो, आप इस बात को मानते हो या नहीं मानते, पशु से भी बेकार है वो। क्यों? पशु के लिए कोई पाप पुण्य नहीं बताया। पशु अगर एक जानवर को मार के खाता है उसके लिए कोई पाप नहीं है, वो ऐसा ही बना है। पशु अगर बेशर्मी करता है सड़क में, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो पशु है। पर मनुष्य अगर नियमों का पालन नहीं करता, उसको उसका दंड भोगना पड़ता है। मनुष्य अगर धर्म का पालन नहीं करता, उसे नरक में जाना पड़ता है और बड़ी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो मनुष्य को धर्म का पालन करना ही चाहिए। देखो, अभी कुछ थोड़े बहुत लोग धर्म का पालन करते हैं, भक्ति करते हैं, तो पृथ्वी टिकी हुई है। ऐसा बताया कि जब कोई धर्म का पालन करना लोग छोड़ देंगे तो फिर बड़ी गति खराब हो जाएगी, फिर पृथ्वी धरती माता डोलती है। धरती माता कहती हैं, मेरे पर इतने पर्वत हैं, समुद्र हैं, इनका मेरे को भार नहीं लगता, पर मेरे पर अगर कोई पाप आत्मा चलती है तो मुझे बड़ा भार लगता है उसका। इसलिए हम सब लोगों को धर्म का पालन करना है और धर्म के पालन का प्रचार करना है। ये भगवान को बहुत प्रिय है, प्रचारक बहुत प्रिय है। मैं अफ्रीका में था, घर से डर के मारे अफ्रीका गया था, क्योंकि घर वाले मेरे को नहीं चाहते थे कि मैं साधु बनूं। जब हम दूसरी बार साधु बन के वृंदावन गए थे तो माता पिता ले आए वहाँ से हमको। हमारा स्वभाव ऐसा था, उनके आगे बोल भी नहीं सकते थे कुछ। दूसरी बार जब गुरु महाराज मिले तो फिर अंदर से ये फिर प्रेरणा हुई कि अभी घर नहीं जाना वापस। तो उधर मौका था एक अफ्रीका जाने का। प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम अफ्रीका जाओ। अफ्रीका चले गए, उनकी कृपा से अच्छा रहा। तो गए तो कुछ समस्या हुई वहाँ पर, कुछ भक्त ऐसी बातें कर रहे थे जो नहीं करनी चाहिए थी उनको। प्रभुपाद जी को पता लगा तो उन्होंने बोला, अच्छा तू मेरी सेवा में आ जा। पत्र लिखा तो उनके सचिव ने पत्र लिखा, प्रभुपाद जी ने काउंटर साइन किए नीचे। तो आगे बड़ा अच्छा लगा, डांट भी बहुत पड़ती थी प्रभुपाद जी से, ये कृपा थी उनकी। अभी हम जब वापस अपना प्रभुपाद जी की सेवा में हैं, उधर से अफ्रीका से चिट्ठी आने लग पड़ी, यहाँ बड़ी समस्या हो रही है, ये है वो है, तो इसको भेजो वापस भेजो। तो ऐसी परिस्थिति बन गई, जाना पड़ा। मैंने प्रभुपाद जी को कहा, मैंने प्रभुपाद आप अगर मेरी इच्छा पूछेंगे, मेरी इच्छा आपके साथ रहने की है। प्रभुपाद कहते हैं अगर ज़रूरी है तो मैं तुम्हें ऑर्डर भी कर सकता हूँ। मैंने कहा अगर आप ऑर्डर कर रहे हैं तो फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगा, आपके ऑर्डर का पालन करूँगा। फिर खुश हो गए वो जब मैंने उनकी आज्ञा पालन की। तो कहते हैं वो भगवद गीता ला, भगवद गीता का 18वां अध्याय खोला, उसमें एक श्लोक है, कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधास्यति।
भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति मिलती है और अंत में मेरे पास आता है। ये भगवान कह रहे हैं, उसको मेरी भक्ति मिलती है, अंत में मेरे पास आता है। अगले श्लोक में क्या कहा भगवान ने, उसके इसके बाद के श्लोक में, नाचार तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमा भविता नाचात भूया अन्य प्रिया तरोभूमि। जो प्रचारक करता है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना कोई होगा। प्रचारक मुझे बहुत प्रिय है। तो प्रभुपद ने दोनों श्लोक मेरे से पढ़ाए का देख, प्रचार करना बहुत आवश्यक है। भगवान क्यों पृथ्वी पर आते हैं? प्रचार करने के लिए। किस लिए अवतार लेते हैं? हम जो संसार में खोए हुए लोग हैं, जो नश्वर संसार को अपना घर बना के बैठे हुए हैं, संसार को कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन एक दिन हमसे छुड़ा लिया जाएगा। हमें समझाने के लिए भगवान आते हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए भगवान आते हैं। इसलिए हम सबको प्रचारक बनना चाहिए। और ये भी याद रखो, वसुदैव कुटुंबकम कहाँ गया? ये संसार भगवान का परिवार है, इसमें जाति पर आत्मा सारी परमात्मा की हैं। किसी भी शरीर में आत्मा है वो परमात्मा का है। कर्मों से कोई किसी शरीर में चला गया, कर्मों से कोई किसी शरीर में चला गया। तो प्रचारक भगवान को, हमें भगवान का प्रिय बनना है, जो भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा। अगर भगवान के प्रिय बन के तो जीवन सफल है, अगर हम भगवान के प्रिय नहीं बने, पत्नी के प्रिय बने रहे या घर के प्रिय बने रहे, तुम्हारा जीवन विफल है। जीवन को सफल बनाना है, अपने शरीर की सुख सुविधा को त्यागना है, तपस्या करनी है। भगवान ने खुद तपस्या करके दिखाई। महाप्रभु जो हैं, स्वयं कृष्ण हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। 24 साल की अवस्था में भगवान संन्यास ग्रहण किए, जबकि हम सब की मैया विष्णुप्रिया माता 16 साल की थी। भगवान की पत्नी 16 साल की, खुद 24 साल के थे भगवान, और संन्यास लिया। हम लोगों को शिक्षा, क्या शिक्षा दी भगवान ने? भगवान जब पुरी में गए, वहाँ राजा के गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उनसे उनकी भेंट हुई। वो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्ग का ही बड़ा प्रचार है, लेकिन भगवान ज्ञान से नहीं मिलते, भगवान भक्ति और प्रेम से। खुद भगवान ने गीता में कहा, भक्त्या मामा भी जान आती यावन जस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, भगवान खुद कह रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की भेंट हुई, बड़ा लंबा प्रसंग है, मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। तो भट्टाचार्य ने सोचा, ये कोई नवयुवक सन्यासी है, इसको मैं वेदांत पढ़ाकर इसकी अच्छी संप्रदाय में सन्यास दीक्षा फिर से कराऊंगा। तो 7 दिन तक वेदांत पढ़ाते रहे भगवान को, गौर भगवान को। 7 दिन के बाद भट्टाचार्य ने भक्ति पढ़ ली, भक्त बन गए। वो भगवान के भक्त बन गए और उन्होंने 100 श्लोक लिखे। भगवान की स्तुति में 100 श्लोक लिखे। एक श्लोक में उसमें से आपको सुनाता हूँ, उन्होंने क्या कहा भट्टाचार्य ने, सार्वभौम भट्टाचार्य।
उन्होंने कहा कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ के का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुधर यस तमहम प्रपद्ये। उन्होंने कहा वीरा आप त्याग की विद्या सिखाने, हम लोग इस संसार से चिपके हुए हैं लेकिन इसे हमको निकाल दिया जाएगा। कब निकाला जाएगा? ना मेरे को पता ना आपको पता, पर निकाल दिया जरूर जाएगा। हमने भगवान से चिपकना है, इस संसार से नहीं चिपकना जो हमारा घर नहीं है। तो भट्टाचार्य कहते हैं आप प्रभु त्याग की विद्या वैराग्य विद्या सिखा रहे हो, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, और अपनी भक्ति सिखा रहे हो। निज भक्ति योगा शिक्षार्थक एका पुरुषा पुराना, बड़े पुराने पुरुषा पुराना आप वैराग्य विद्या की शिक्षा दे रहे हो। श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण भगवान ने श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी, श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। कृपाम बुदर यस्तम हम प्रपत्ते, आप मेरे पर कृपा करो, मैं आपके चरणों की शरण लेता हूँ। भट्टाचार्य फिर बहुत बड़े भक्त बने भगवान के। भट्टाचार्य को भगवान के स्मरण में आने से एक समस्या हो गई, वृद्ध थे वो कमल हिला हिला के नाचते थे। लोग क्या सोचेंगे भट्टाचार्य अभी बुढ़े, बुढ़ाओं का नृत्य करता है नाचता है, लेकिन वो रोक नहीं सकते थे अपने आप को बिना नृत्य किए हुए, इतना भक्ति भाव उनका जागृत हुआ। तो भगवान ने स्वयं त्याग की विद्या सिखाई, वैराग्य की विद्या सिखाई। हम नहीं जानते, अगर हम जीवन काल में भक्त नहीं बन जाते और हमारा अनर्थग्रस्त हृदय पवित्र नहीं हो जाता, हमें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, हमें ध्यान ही नहीं है। माँ फिर से अगर मनुष्य का शरीर भी मिल गया वो भी दुखदायी है, माँ के गर्भ में 9 मास उल्टा लटका रहना पड़ेगा, कुछ सांस भी नहीं ले सकते, ना इधर हिल सकते ना इधर हिल सकते। माँ के गर्भ में कीड़े खाएंगे, कीड़े हैं जो बच्चे की कोमल चमड़ी को काटते हैं, बच्चा बेहोश हो जाता, कुछ नहीं कर सकता वो गर्भ में। तो भगवान ने स्वयं त्याग की विद्या सिखाई, वैराग की विद्या सिखाई। भगवान ये जो छठभुज हैं, 2 हाथों में धनुषवान, 2 हाथों में मुरली और 2 हाथों में दंड और कमंडल, ये भगवान ने सिखाया दिखाया कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही चैतन्य हूँ। भागवत इसका प्रमाण है। भगवान वैराग्य की विद्या सिखा रहे हैं, इस विद्या को धारण करो और आने वाला जो बड़ा समय है, संसार से जाने का समय, बड़ी परीक्षा का जो समय है, उसके लिए तैयारी करो। अगर संसार से मोहग्रस्त रहे तो परीक्षा में फेल हो जाओगे। परीक्षा में पास होने के लिए कृष्ण से प्रेम बढ़ाना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है और इस संसार से मन को हटाना है। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। अभी देखो लोगों को नींद बड़ी पसंद है, लोग मंगल आरती नहीं आते, नींद बहुत पसंद है। ये कलकत्ता में हमने रविवार के प्रवचन में कहा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो नींद जो है उसके बारे में कबीर साहब कहते हैं, कबीर जो प्रहलाद जी के अवतार हैं, वो कहते हैं नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। रसायन कहते हैं सोना बनाना,
सोना जो है जो बनाना जानते हैं वो मरकरी जो पारा उसको मिक्स करके कुछ चीज़ें मिला करके लोहे का सोना बनाया जा सकता है। रसायन कहते हैं उसको, कई साधु संत रसायन विद्या जानते हैं, सोना बनाना जानते हैं, लोहे का सोना बना लेते हैं। वो कहे जो बाकी विद्याएं छोड़ और रसायन छोड़, बाकी जो तुम लगा है नाम रसायन, नाम रूपी सोना बना दू। उन्होंने ये भी कहा कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। सारी दुनिया गरीब है, धनवान कौन है जिसके पास राम नाम का धन है। बाकी सब ये जो भौतिक धन है ना, ये पैसा यहीं का यहीं रहेगा, चाहे कितना मर्जी इकट्ठा कर लो। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारा डली रही। धन चाहे कितना इकट्ठा कर लिया, तृष्णा तू ना गई मेरे मन से, तृष्णा नहीं जाएगी। तो असली धन राम नाम का धन है। जैसे एक भजन गाते हैं ना, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो, हरे कृष्ण मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। जो लोग कहते टाइम नहीं, साढ़े को टाइम नहीं आएगा, गप्पा मारने का टाइम है, ताश खेलने का टाइम है, वो वीडियो देखने का टाइम हैगा, और की कहते हैं लोग सीरियल देखने का टाइम हैगा, नाम लिए टाइम नहीं। उनके लिए फार्मूला इस भजन में है जिनके पास टाइम नहीं, काम करते रहो नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से डरते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। ख्याल आएगा उसको कभी ना कभी, पास पाओगे उसको कभी ना कभी, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, हरे कृष्ण हरे राम गाते चलो। कबीर जी ने कहा है नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग और रसायन छोड़ कर, नाम रसायन लाग। तू नाम जप बस, भगवान का नाम भजन कर, यही बस, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। टाइम नहीं है, काम करते ही, काम करते हो भगवान का नाम लो, गाड़ी चला रहे हो भगवान का नाम लो, साइकिल चला रहे हो भगवान का नाम लो, कहीं भगवान को जपने का प्रयास करो। क्योंकि नहीं है भरोसा
जरा जिंदगी का मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए भगवान का भजन करो, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा, छूटेंगे धन वजन मगर ये साथ जाएगा। भिक्षुक कहे संसार की मत आस कीजिए, सच्चा कृष्ण का नाम है विश्वास कीजिए। संसार से कुछ आशा मत करो, कुछ भी संसार से मिलने वाला नहीं है भाई, संसार से केवल यमदूत मिलेंगे, लेकिन कृष्ण भजन कृष्ण भक्ति से भगवान मिलेंगे और वैकुंठ मिलेगा। और वैकुंठ जाने के लिए शरीर भगवान ने दिया है, लेकिन इसको हमने और दूसरे कई कामों में लगा दिया है, वो हमारी बहुत बड़ी भूल है। तो सत्संग के माध्यम से अपनी भूल का सुधार करो। बोलो हरि नाम प्रभु की, हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि कौरभक्त वृंदा। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। कोई प्रश्न किसी को, जो हमने कहा हो ध्यान में ना आया हो, किसी माता को,